चलो जी, लेट अस स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम लेवल टू प्रॉब्लम एडवांस प्रॉब्लम, क्योंकि एनसीईआरटी और बेसिक प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी की ऑप्शन एक्सरसाइज भी हमने की थी, ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं और एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे बहुत ईजी, बट ये एनसीईआरटी में देखिए एक्स्ट्रा है, कुछ में आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या है देखने में बवाल सा। आई बात समझ में क्लियर है चीज? चलो जी देखो ध्यान से, लेट से मैंने यहां पर क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थ्री नंबर आर इन द रेशियो 3:7:9। थ्री नंबर जो है वो किस रेशियो में है? 3:7:9 की रेशियो में, ठीक है जी। जो थ्री नंबर का रेशियो है वो क्या है? 3:7:9 का रेशियो है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई। आपको पता है जब रेशियो में गिवन होता है ना बच्चे, जब रेशियो गिवन होता है तो हम नंबर को लेट करते हैं। अगर यहां नंबर 3:7:9 की रेशियो में है तो आप क्या बोलोगे भाई, 3:7:9 इफ रेशियो में तीन नंबर हैं, कह रहे 5 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 5 को सब्ट्रैक्टेड किया जाए सेकंड टर्म से, अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें सेकंड टर्म से तो रिजल्टिंग नंबर आर इन एपी। तो पहले तो मैं कहता हूं 3 नंबर को लेट करते हैं, जब लेट करेंगे 3 नंबर्स को तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x, सेकंड नंबर हो जाएगा 7x और थर्ड नंबर हो जाएगा 9x। स्टेटमेंट आप लिख लोगे, लेट दैट नंबर बी 3x 7x एंड 9x। अब आप वो क्या कह रहे हैं, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ये है, इस सेकंड टर्म में से मैंने 5 माइनस कर दिया तो जो अब ये रिजल्टिंग नंबर बने, ये तीनों नंबर किस में आ गए, एपी में, आर इन एपी, पहले एपी में नहीं थे लेकिन जैसे ही आपने सेकंड टर्म में से 5 माइनस किया ये एपी में आ गए। कोई डाउट? कह रहा फाइंड द नंबर, वो सिंपल, अगर तीनों नंबर एपी में तो आप कहोगे डी इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म यहां 7x माइनस 5 है और फर्स्ट टर्म यहां 3x है, तो 7x माइनस 3x इज 4x माइनस 5, कोई डाउट? अब अगेन आप कहोगे डी इज इक्वल टू, ऑल्सो डी इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म a3 माइनस a2, तो थर्ड टर्म यहां क्या है 9x है, माइनस सेकंड टर्म यहां क्या है 7x माइनस 5। और मैंने आपको बहुत बार सिखाया है जैसे ही नेगेटिव के बाद एक से ज्यादा टर्म आए ब्रैकेट लगा दो, वरना क्या गड़बड़ करोगे आप, ये लिखोगे माइनस 7x माइनस 5, गड़बड़ हो गई, जबकि ये ब्रैकेट लगेगा तो इसके साइन चेंज दोनों के होंगे और रिजल्ट क्या आएगा 9x, ये प्लस से माइनस 7x और ये माइनस 5 से प्लस 5। लेकिन आप डायरेक्ट लिखते हो तो क्या गड़बड़ कर देते हो, ये आना चाहिए था प्लस 5 आ जाता माइनस 5, इसलिए कहता हूं जब भी एक ज्यादा टर्म हो माइनस के बाद तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्लियर है चीज, इस गलती करने से बच जाओ। इसलिए आपको बार बार बताता हूं वो हर जगह छोटी छोटी गड़बड़े आप कैसे कर सकते, जो ट्वेंट करते हैं उससे कैसे बचा जाता है, लेकिन फॉलो कर लोगे तो फायदा मिलेगा, क्लियर है चीज। नाउ 9x माइनस 7x इज 2x प्लस 5, समझ में आई बात? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों कहूं, अब आप बोलोगे कि हाँ जी therefore 4x minus 5 is equal to 2x plus 5, क्योंकि AP है तो difference will be common, the common difference same रहेगा। अब आप क्या करोगे, obviously यहाँ 2x को उधर ले आया minus 2x हो गया, minus 5 को उधर ले गया plus 5 हो गया, तो 4x minus 2x is 2x, 5 plus 5 is 10, cancel out, x की value क्या रह गई, 5 रह गई, तो x 5 आ गया, तो result numbers क्या हुए जल्दी बताओ, 15 35 एंड 45, कैसे, पक्का ठीक है ये सर? 15, 30 एंड 45 होगा। अच्छा दो बातें हो गई आपको, आइदर दिस और दिस, और मुझे पहले ये देखना है, अच्छा इसके अलावा भी कोई और आंसर है तो भी बताना प्लीज। अब मुझे ये देखना है यहां पर कितने स्टूडेंट कहते हैं 15, 35, 45 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देम, काइंडली रेज योर हैंड, फर्स्ट वन 15, 35, 45 इज करेक्ट, काइंडली रेज योर हैंड, हाँ जी जल्दी से हैंड रेज कीजिए, 1, 2, 3 यानी 5 हो गए, 5 हैंड, 4, 6 हैंड, ये 6 स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ फर्स्ट, हाँ जी। नाउ सेकेंड 15, 30, 45 इसके फेवर में कितने स्टूडेंट्स हैं, कांड हैं इसके फेवर में, 6 स्टूडेंट्स हैं जी, इसके फेवर में कितने हैं, 1, 2, 3, 4 राखी आप भी हो गया नहीं, 4 भाई सेकंड ऑप्शन के उसमें हैंड रेज नहीं किया, देखो मोस्टली स्टूडेंट ने तो हैंड रेज ही नहीं किए,
तो क्या आंसर होगा इन दोनों के लिए फिर? सेकंड 15 30 45 में कौन फेवर में है? हैंड रेज होने चाहिए सबके जो भी फेवर में है, दोनों में से एक में, क्योंकि देखो 5 आ गया है तो या तो वो ये होगा 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 5 45, या तो वो ये होगा 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 5 35 माइनस 5 30 और 45, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो सेकंड के फेवर में कौन कौन है कैंडिडेट जो हैंड? फाइव। अच्छा, अब मैं फर्स्ट के फेवर में से पूछ रहा हूँ, फर्स्ट के फेवर में कितने स्टूडेंट है कैंडिडेट जो हैंड? फर्स्ट के फेवर में कौन कौन है कैंडिडेट जो हैंड? बहुत बढ़िया। अब जो मैक्सिमम फ्रेंड हैंड रेव नहीं कर रहे हैं उनका आंसर मैं जानना चाहूंगा जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, जिन्होंने हैंड रेव नहीं किया है, आई विल टेक द नेम। हाँ जी दिव्यांशी, क्या आंसर होना चाहिए अगर इन दोनों के अलावा होगा तो? इशिता, अक्षत सर पता नहीं, कंफ्यूज ही हूँ। मतलब मैं ना हाईली सरप्राइज्ड हूँ, इतने सारे क्वेश्चन छोटी प्रीवियस क्लासेस में करके आ गए, टेंथ में करके एक्स की वैल्यू आ गई तो इनमें तो पुट करोगे तो ही तो फाइनल वैल्यू आएंगी, या तो इसमें पुट करोगे तो इसमें पुट करोगे, है ना? तो किसमें किसके ऑप्शन के साथ आप जाना चाहोगे? माइनस फाइव सेकंड वन, ठीक है जी। सक्षम, गर्ग, ऋत्विक, श्रुति, सेकंड वन, श्रुति, उदिता, सिद्धार्थ, और भी बहुत सारे नाम हो क्या, कोई भी नहीं बोल रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, अब जो इनके फेवर में गए, मैक्सिमम ने तो हैंडी रेज नहीं किए, जो इनके फेवर में गए, फर्स्ट के फेवर में गए वो बिल्कुल ठीक है जी, और जो सेकंड के फेवर में गए वो बिल्कुल ही गलत है जी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन से थे? थ्री नंबर आर इन रेशियो। आप सोचो, आपसे कहा जाता है लेट से रिलेशन क्वेश्चन के बीच में कि हाँ जी मदर की एज सन की एज के 5 टाइम्स है प्रेजेंट एज, और 5 साल बाद की एज के बीच में रिलेशन है, तो आप क्या 5 साल बाद की एज की बताते हो या प्रेजेंट एज के बारे में बताते थे? तो यहां ओरिजिनल नंबर क्या है ये रेशियो में, ये तो सिचुएशन है, अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एपी में आएंगे ये, लेकिन नंबर तो ये तीनों ही रहेंगे, यानी कि ये होगा ठीक। इसलिए मैंने यहां पर इतना टाइम लगाया, अगर यहां टाइम नहीं लगाता तो स्टूडेंट जो है इसमें बहुत गड़बड़ करके आते हैं, पता नहीं सेकंड ऑप्शन के साथ क्यों चले जाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है चीज? हाँ जी नेक्स्ट वन, सर फर्स्ट क्वेश्चन से पहले भी सर एक क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे हम? बेटा मैंने ना सीक्वेंस चेंज कर दिया, वो बाद में डाल दिया एट द वेरी एंड, वो मैं काफी सबसे एंड में था, ठीक है जी। एंड एपी स्टार्ट फ्रॉम 50, जो एपी है वो 50 से स्टार्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 50 है। इफ द रेशियो फोर्थ एंड सेवंथ टर्म इज 28:31, दैट मींस फोर्थ टर्म इफ टू सेवंथ टर्म इफ 28:31, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी हमें निकालना है और एफ 20 निकालना है, ये हम कर सकते हैं। देखो जो खुद करना चाहते हैं करें, जो इधर देख समझना चाहते हैं उधर देखें। आप देखो ए 50 है, आप बोलोगे ए 4 अपॉन ए 7 इज 28:31, जो खुद करना चाहें वो खुद करें। ए 4 इज ए प्लस 3d एंड ए 7 इज ए प्लस 60, क्योंकि ए प्लस 4 माइनस 1 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है, और ए 7 इज ए प्लस 7 माइनस 1 ए प्लस 60, राइट लिख रहा हूं 28:31, ठीक है जी। अब 31 को इधर मल्टीप्लाई, 28 को इधर मल्टीप्लाई, 31 इंटू ए प्लस 3d और 28 इंटू ए प्लस 60। अब 31 इंटू ए 31 है, 31 इंटू 3 93d, 28 इंटू ए 28 है और 28 इंटू 6 168d, ठीक है जी। अब 31 है, 28 को इधर ले आओ तो
माइनस 28 हो गया, 93D को यहाँ RHS में ले जाओ तो 168D माइनस 93D तो ये 331A माइनस 28A इज 3A और 158 माइनस 93 इज 75D. सिचुएशन आ गई. अब डालो A की वैल्यू. अकलमंदी सी में कुछ स्टूडेंट जो खुद कर रहे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, A की वैल्यू यहीं पुट कर दी होगी. पर A इज 50, डालो जी 50 और 50 डाल के वो लगे होंगे मल्टीप्लाई करने में. 28 into 50 एंड सर वो जाएगा बहुत बड़ा. क्लियर है चीज? देने को मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे सकता था, डायरेक्ट मैंने क्यों नहीं दिया, सिर्फ इस रीजन से. मुझे करने का तरीका सिखाना था आप. यहां आपको 50 पुट करने की जरूरत है ही नहीं, अभी ए ही रहने दो भाई, यहां पुट करो जब सब कुछ हो जाए, ठीक है? या इससे नेक्स्ट स्टेप में सी को 75 से कट करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? वो भी कर सकते हो, इजी है. मैं कट कर कहां कर, मैं 3 को 50 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं 50 नहीं लिखूंगा, मैं 75D ये अपॉन में ले आओ. 75 3 into 50 अपॉन 70 या 150 अपॉन 75 मैक्सिमम सब जानते हो 2 आने वाला है. तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2. और F20 आप इजी निकाल सकते हो, N/2 20/2 2A प्लस N-1 2A आपका 50 है, N-1 20-1 into D is to follow up कर लो. मेन चीज मुझे आपको यही अब यहां यही सिखानी थी बेटा, वैल्यू पूरा सिंप्लीफाई करने वाला डाला ताकि आपका आंसर और जल्दी आए और करेक्ट किया चांस बढ़ जाए करेक्ट होने. क्लियर है चीज? यस सर. क्वेश्चन पहले आते हैं हम इस पे. ये बेटा हमारी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, इधर देखो यहां क्या कह रहा है. शो दैट, क्या शो करना है हमें, कि जो सम ऑफ एपी, ये ध्यान सुनना, देखने में आपको लग रहा था कितना भयानक सा है लेकिन बहुत आसान है. कैसे? देखो ध्यान से. सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है जी? मैंने कहा A1 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म ए ही है. उसके बाद उसने क्या कहा, सेकेंड टर्म इज बी तो A2 is B, second term is C. And last term is C. Last term मुझे नहीं पता क्या है, तो An is equal to C. ये है मेरे पास. और कह रहे sum of n, show that the sum of an AP is equal to this. यानी मुझे क्या प्रूफ करना है, Sn is equal to this प्रूफ करना. Sum of first n term is equal to this. ये प्रूफ करना है, ठीक है? कैसे करूंगा? देखो, मैं पहले Sn लिखता हूं, होता क्या है ताकि दिमाग में, Sn is equal to N/2 2a प्लस एन माइनस 1d. एक कंसेप्ट ये लगाते थे. दूसरा क्या था, Sn इज इक्वल टू N/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म a प्लस an. तो कोई यहां आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों गिवन है ना, तो कौन सा लगाना चाहिए हमें? ये वाला. यानी फर्स्ट और लास्ट तो पता है मुझे, फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज c, लेकिन ये n नहीं पता. तो हमारा सारा फोकस किस पे रहना चाहिए, इस एन को निकालने में. तो स्टूडेंट तो क्या को दिक्कत क्या होती है, वो क्वेश्चन देखते पता नहीं क्या बवाल आ गया. अब ये समझ जाता स्टार्टिंग कहां से करूं, क्योंकि अगर उसने ये एनालाइज कर लिया क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वो क्वेश्चन सोल्व कर देता है. क्यों? माइंड को ना बहुत पॉजिटिव तरीके से चलाना पड़ता है. मैं हमेशा आपसे कहता हूं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना क्वेश्चन देख के, हाँ बहुत आसान है, गड़बड़ कर दोगे ना. बहुत ज्यादा पैनिक में होना, रे पता नहीं क्या आ गया, तब होगा ही नहीं, गड़बड़ कर दोगे. रिलैक्स मोड में दो, क्वेश्चन है ना, आसान है तो भी नॉर्मली करना है. और क्या है इसमें, ज्यादा क्या होगा, नहीं करूंगा, ट्राई तो करूं, ट्राई करने में क्यों अपने एफर्ट डाउन कर लो. सोचो उसमें कंसेप्ट क्या लगता है आप लिखो इस तरीके से. मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आपको माइंड वर्क करना चाहिए, वो ना मैं डायरेक्ट आपको करना यहां पर करना स्टार्ट करवा देता कि ऐसे क्वेश्चन होना है, लेकिन नहीं, कैसे माइंड को चलाना है वो सिखा रहा हूं. तो आप यहां क्या हो गए, Sn इज इक्वल टू N/2 2a प्लस N-1d. ये कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट भाई, ए फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो यही चूज करते हैं हम. अब ये कांसेप्ट चूज करेंगे तो हमें ये तो पता है दोनों, लेकिन n निकालने पे फोकस होना चाहिए. तो समझ में आ गई स्टार्टिंग कहां से.
ठीक है जी, चलो तो हम अब फोकस करते हैं एन निकालने पे। अब देखो मैं एन जो लास्ट टर्म है ए एन इज इक्वल टू सी, तो इसी रिलेशन को मैं लूंगा। मैंने कहा ए एन इज इक्वल टू सी, यानी ए एन क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू सी, ये बात हो गई। अब डी की बात करनी है, डी तो आपको पता ही है सेकंड फर्स्ट टर्म है ना, यहां पे आप क्या बोल सकते हो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन यानी बी माइनस ए, ये डी है सेकंड माइनस फर्स्ट बी माइनस ए। तो अब ये जो फर्स्ट टर्म है ए वो तो ए ही है, एन हमें नहीं पता, डी जो है वो बी माइनस ए है इज इक्वल टू सी। अब जो ये प्लस ए है इसको आरएचएस में लाऊंगा तो क्या होगा माइनस ए, और इधर एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए एडिटिव रहेगा और ये माइनस ए हो गया, सी माइनस ए हो गया, प्लस ए इधर आकर इफ साइड में आकर माइनस ए, आरएचएस में आकर माइनस ए। अब ये बी माइनस ए मल्टीप्लाई में इसको बोन मिले जब कि मुझे एन की वैल्यू निकालनी है ना, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू C माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताना प्लीज। अब यहां जो माइनस वन है ये देखो, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो प्लस वन हो जाएगा, एन की वैल्यू आएगी, तो एन इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। नाउ एलसीएम लोगे बी माइनस ए, यहां सी माइनस ए और वन इंटू बी माइनस ए इज बी माइनस ए, तो ऊपर क्या हो गया देखो बेटा माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका बी प्लस सी माइनस टू ए, बी प्लस सी माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, ये एन की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बता। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो डी था वो बी माइनस ए था सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, ए एन इज इक्वल टू सी, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए तो फर्स्ट टर्म है हमारी, और जो ए गिवन है क्वेश्चन में एन एज इट इज माइनस वन एज इट इज, डी की वैल्यू बी माइनस ए है पुट कर दी हमने कहा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। अब हमने कहा भाई प्लस ए को इधर ले आए माइनस ए, माइनस बी बी माइनस ए मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, फिर माइनस वन यहाँ के प्लस वन, क्लियर है, और एलसीएम लिया माइनस ए माइनस ए टू ए बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, इज इट क्लियर। अब देखो अब लेते हम एस एन को, जो हमने कंसेप्ट लिया था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ठीक है। अब यहां आप देखो ये जो n है ये हमने ये निकाला, n क्या निकाला है पूरा निकाला, क्या निकाला भाई b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, ये n आ गया, ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, अपॉन टू एज इट इज, और a फर्स्ट टर्म a ही है और लास्ट टर्म c है। अब दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बचेगा b प्लस सी माइनस टू ए ऊपर नीचे टू इंटू बी माइनस ए और a प्लस सी। अब देखो बेटा ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे तो एक साथ लिखे जा सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे ऊपर आ गया b प्लस सी माइनस टू ए, इसके बाद b प्लस सी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा टू इंटू बी माइनस ए, देखो बन गया जी, यही मैंने प्रूफ करना था ना एसएन इक्वल टू प्लस। कोई डाउट, क्या कुछ नया कंसेप्ट लगाया था इसमें, क्या कोई ट्रिक है? नहीं, सीधा साधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस नंबर्स नहीं है अल्फाबेट, बस नंबर नहीं है अल्फाबेट, यही होता है मैक्सिमम यहां लेवल टू में। आप देखोगे जो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां नंबर की जगह अब आपको अल्फाबेट देखने को मिलेंगे और कंसेप्ट वही लगने होंगे, और देखकर स्टूडेंट डर जाता है कि पता नहीं क्या आ गया। हमेशा आपसे कहता हूं कॉम्प्रिहेंसिव जो लेवल प्रॉब्लम है, जो लेवल टू जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में लेवल टू प्रॉब्लम जो है, उसमें मैक्सिमम होता ही है, उसके देखने में ऐसा बनाया जाता है ड्रामा, ड्रामा और मैं जानता हूं चीज करता हूं, याद रहता है, आई बात समझ में, जिससे देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन मैं वो कहता हूँ बेटा, मैं फिर लिटरली बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन देखने में जितना डरावना होता है ना, मैक्सिमम टाइम वो करने में उतना आसान होता है, मैक्सिमम टाइम वो करने में उतना आसान, और कई बार ऐसा होता है देखने में बड़ा आसान है, करने में ट्रिक लग रही होती है। आई बात समझ में, क्लियर चीज, तो अपने माइंड को रिलैक्स करो, और क्या इस क्वेश्चन में कुछ खास था करने के बाद,
नहीं, बस सिंप्लीफाई करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है चीज? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। The digit of a three digit number are in AP and the sum of digit is 15. अब यहां पर है ना, एक हम नई ट्रिक सीखेंगे, ध्यान देखना। जब भी वो आपसे ये बोलेगा कि तीन नंबर या थ्री डिजिट कुछ भी एपी में है, जब भी वो ये बोलेगा कि तीन नंबर एपी में है, तो देखो वैसे आइडियली तो आप लेट क्या करोगे कि फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, डी डी से भर रहे हैं, डी इज द डिफरेंस, पहले ए फिर इसमें डी एड किया, फिर इसमें डी एड किया तो टू डी हो गया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं कहूंगा इसे नहीं करना, इससे आसान काम करेंगे हम। वहां क्या लेट करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहां कहेंगे फर्स्ट टर्म विल बी ए माइनस डी, सेकेंड टर्म विल बी ए एंड थर्ड टर्म विल बी ए प्लस डी। अभी भी डी प्लस हो रहा है, माइनस डी में प्लस डी करोगे ए आ जाएगा, ए में प्लस डी करोगे ए प्लस डी आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ए माइनस डी में आपने प्लस डी किया, डी फॉर डी कैंसिल आउट, ए आ जाएगा, इसमें प्लस डी करोगे ए प्लस डी आ गया। आई बात समझ में? इसको लेट करने का फायदा आपको हमेशा मिलेगा। अभी समझ में आएगा कैसे? ऐसी एक क्वेश्चन था कि फोर नंबर्स हो तो उसमें थ्री डी क्यों लेते हैं, उसमें भी सेम ट्रिक है बेटा। ठीक है, आपने फोर नंबर का पहले पूछा, बता देता हूं, अगर फोर नंबर हो, फोर नंबर एपी में है, तो उसके लिए ट्रिक क्या लगेगी, ए माइनस थ्री डी और इसमें सिर्फ प्लस टू डी करेंगे, तो इसमें प्लस टू डी करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस डी, क्या आएगा मेरा बेटा, ए माइनस डी। इसमें प्लस टू डी करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी, और इसमें 2d प्लस करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसका जवाब आपको मिलेगा भी। ठीक है, आप जैसे ही मैं आपको ये कराऊंगा आपको सेकंड का भी जवाब मिल जाएगा। देखो सर, हमने यहां पर क्या कहा, थ्री डिजिट है, एक पॉजिटिव, द डिजिट ऑफ अ थ्री डिजिट पॉजिटिव नंबर आर इन एपी। अब देखो थ्री डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कोई भी नंबर ले लिया 752 फॉर एग्जांपल, तो ये कैसे बनेगा, 100 इंटू 100 प्लेस पे डिजिट होगी, 10 इंटू 10 प्लेस पे डिजिट होगी, और 1 प्लेस पे डिजिट होगी, या 1 इंटू लिख सकते हो, 1 मैं जानबूझ के लिख रहा, 1 डिजिट तो 1 सी होगी। अब इधर देखो, या 100 प्लेस पे 7 है, या 10 प्लेस पे 5 है, और 1 प्लेस पे 2 है। जैसे हमने 2 डिजिट नंबर सीखा था ना, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट, ऐसे ये 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 इंटू 100 डिजिट, 10 इंटू 10 डिजिट एंड 1 फॉर यूनिट डिजिट। क्लियर है? ये क्यों करा अभी समझ में आएगा आपको। अब देखो, एक 3 डिजिट नंबर का, एक 3 डिजिट नंबर है, उसकी तीनों डिजिट का सम मुझे 15 गिवन है, सम ऑफ डिजिट इज 15, तो तीनों डिजिट हमने लेट किए हैं, इनका सम करोगे आप, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15, ये गिवन है। तो देखो माइनस डी प्लस डी विल बी कैंसिल आउट एंड ए प्लस ए इज इक्वल टू कैंसिल आउट 15 डिवाइड बाय 3, ए 5 आ गया। तो ये फायदा है, जब उसे प्लस करते हैं तो डी हट जाता है। अब ऐसे ही आप ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ये चारों को प्लस करोगे तो सेम काम होगा, माइनस थ्री डी प्लस थ्री, 3D माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 है। आपने मुझसे एडवांस से पूछा, फिर मैंने एडवांस से बता दिया, आगे चल के इसको रिपीट को मैं करूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। आई बात समझ में? रिपीट करने की जरूरत नो सर। ये जी, हाँ जी, तो यहां पर आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या कह रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 594 On subtracting 594 from the number, the number मतलब original number, जो number है, जो three digit number है, ये जो three digit positive number है, इसमें, ठीक है, जो ये three digit positive number है, इसमें original number में से अगर आप 594 minus करते हो, तो digit interchange हो जाती है। इसको मैं simple word में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं, ओरिजिनल नंबर
आपको समझाने के लिए, माइनस 594 इज इक्वल टू इंटरचेंज नंबर, क्या बात ठीक है? जब मैं नंबर में से ओरिजिनल नंबर में से 594 माइनस करूंगा तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी। अब देखो डिजिट इंटरचेंज कैसे है, समझो ध्यान से। हमने कहा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ये ओरिजिनल नंबर, आप बोलोगे 100 इंटू 100 डिजिट, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। तो 100 इंटू 100 प्लेस से मैंने लिखा ए माइनस डी, ये ए यहां पर और ए प्लस डी यहां पर। तो देखो बेटा ये 100 इंटू ए 100 ए हो जाएगा, 100 इंटू माइनस डी माइनस 100 डी हो जाएगा, 10 इंटू ए 10 ए हो गया और ए प्लस डी। देखो 10 ए प्लस ए प्लस डी ऐसे, ठीक है जी। तो कितना बना, 100 ए प्लस 10 ए प्लस ए यानी कि 111 ए और माइनस 100 प्लस डी इज माइनस 99, ये ओरिजिनल नंबर आ गया। अब ऐसी हम बात करते हैं इंटरचेंज नंबर की, ऐसी हम बात करते हैं इंटरचेंज नंबर की कि भाई इंटरचेंज नंबर क्या होगा। कंसेप्ट वही, 100 इंटू 100 डिजिट, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अब आप यहां देखो जो 100 प्लेस है, अब रिवर्स करके रखना इंटरचेंज, मतलब ये डिजिट जो है ये फर्स्ट बन जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा ए प्लस डी और ये वापस जाऊंगा तो ये ए अभी भी बीच में रहेगा और ये लास्ट बन जाएगी, डिजिट इंटरचेंज हो गई। उल्टा लिख दिया, पहले ऐसे लिखा था अब ऐसे लिख दिया, कोई डाउट? अब देखो ये क्या बनेगा, 100 इंटू ए 100 ए, 100 इंटू डी 100 डी, 10 इंटू ए 10 ए और ए माइनस डी, ठीक है। फिर देखो 100 प्लस 10 प्लस ए यानी 100 ए प्लस 10 ए प्लस ए इज 111 ए प्लस 100 माइनस डी इज प्लस 99, ये इंटरचेंज नंबर आ गया। ये ओरिजिनल नंबर है, ये इंटरचेंज नंबर है। अब इसको हम यहां पर इस कंसेप्टल वैल्यू पुट कर देते हैं, ओरिजिनल नंबर इज ये रहा 111 ए माइनस 99 डी माइनस 594 इज इक्वल टू इंटरचेंज नंबर इज 111 ए प्लस 99 डी, ठीक है जी। अब देखो इन दोनों को इधर ले आओ, 594 को इधर ले आओ, 590 माइनस 594 आरएचएस में आगे पॉजिटिव 594 हो गया। अब यहां क्या था, 111 ए माइनस 99 डी प्लस 111 इधर आकर माइनस 111 ए प्लस 99 डी इधर आकर माइनस 99 डी, तो प्लस माइनस 111 कैंसिल आउट, माइनस 99 माइनस 99 डी इज माइनस 198 डी इज इक्वल टू 594 डी, 594 अपॉन माइनस 198, ठीक है जी। नाउ यहां पर 198 3 का माइनस 3, तो डी कितना आ गया, अब डी माइनस 3 आ गया, तो हम क्या कहेंगे यहां पर नंबर निकालना है, कौन सा, फाइंड द नंबर, ये रहा। इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट कि ओरिजिन नंबर क्या है, 111 ए माइनस 99 डी, ए तो हमारा क्या है 5, ए 5 निकाला, माइनस 99 टू डी क्या है 3, माइनस 3 सॉरी, तो 111 इज 555 और माइनस इंटू माइनस प्लस 99 इंटू 3 इज 297, तो प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 552, ठीक है जी, 852, समझ आया, क्लियर चीज, 52 नहीं, हाँ 52 ही होगा, 852 इज करेक्ट सर। तो ये आ गया आपका, क्लियर चीज। तो यहां पर आप देखो हमने ना इंटरचेंज वाले क्वेश्चन जो थे वो अभी तक लीनियर इक्वेशन में किए थे, पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किए थे, क्लियर है। टर्म वन में जब हमको कराया था, टर्म टू में दोबारा कराऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है,
852 इज द आंसर, इंटरचेंज होगा तो 258। क्लियर है? चलो जी, ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, सिंपल लेते हैं। अब ये मैं बस आपको तरीका बता दूंगा, करोगे आप ही। हाँ जी, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हमसे, फाइंड द फाइव नंबर इन एपी वो सम इज 12.5। सम क्या है? 12.5 है। एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू लास्ट टर्म इज 2:3। फाइव टर्म टोटल में, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, a1:2a5, 2:3, या फोर नो। और कह रहे सम जो है वो इतना है, और ये सम यानी कि कितना हो गया s5, 12.5 यानी 25/2, 12 to 24 + 1, 25 ये सम है। तो क्या करोगे, s5 की वैल्यू पुट करोगे आप, n/2 यानी 5/2, a+an क्योंकि आपको गिवन है, तो आप बोलोगे a1+a5, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, रेशियो इनका गिवन है ना आपको, तो आप क्या बोलोगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 रह गया, a1 क्या है 2 है, a5 क्या है 3 है, 2+3=5, और यहां पर क्या आएगा फिर, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, रेशियो रेशियो है तो इसे क्या लेट करोगे, एक्स, 2x और या 2y3/2 जो आप बोलो, तो 2x+3x क्या हो गया, हैंडल की फीलिंग किया था बहुत बार का है, जहां मैं इंटेंशनली मिस्टेक करता हूं वो, तो वहां हैंडल होना चाहिए आपका, x=1, x1 आ गया, तो ऑब्वियसली a1 जो है जो आपने 2x सेलेक्ट किया है वो 2:1 हो गया, और जो a5 है जो आपने 3x सेलेक्ट किया है वो 3:1 हो गया। क्लियर है? अब d निकालना है तो आप बोलो a5=a+4d होता है। अब a हमारा 2 है, 4 × d हमें नहीं पता, a5 हमने यहां 3 निकाला है, पुट कर दो, प्लस 2 इधर आकर -2, 4d 1/4, d की वैल्यू 1/4 आ गई। क्लियर? अब आप क्या बोलोगे, हमें यहां पर 5 नंबर निकालने से पीछे, तो फर्स्ट टर्म तो 2 है ही, सेकंड टर्म आप कैसे निकालोगे, 2+1/4 से। अब देखो 2+1/4 आप करोगे तो वो क्या आएगा, 4 × 8 = 9/4, लेकिन इसको ऐसे मत लिखना, मैंने क्या सिखाया, क्वेश्चन में जैसे गिवन हो उसी फॉर्म में आंसर देना है, या मिक्स फ्रैक्शन बन सकती है ना, तो आप क्या बोलोगे 2 1/4, तो यहां क्या लिखोगे, और बेटा सिंपल देखो 2 में एक ट्रिक और दिखा रहा हूं, 2 में 1/4 माने प्लस कर रहे हो ना, तो ये यही बनेगा, अगर 1/4 दोबारा प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 2 2/4, ट्रिक दिखा रहा हूं, तो ये 1/2 ऑटोमेटिकली हो गया 2.5। अब इसमें 1/2/4 में 1/4 दोबारा प्लस करोगे तो 2 3/4, अगली बार करोगे 2 4/4, और ऑटोमेटिकली प्लस है तो 1 हो जाएगा 3, जो हाई लास्ट आपका। क्लियर है चीज, आई बात समझ में? तो अब जो है आपको ये यहां तक कवर करना है जी, और नेक्स्ट क्लास में भी हम इसे कैरी ऑन करेंगे। क्लियर है चीज, और आगे, और लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, अभी जाना नहीं है।